नमस्कार। आज हम संस्कृत पुस्तक निर्जरम की पाठ दो शब्द ज्ञानम क्योंकि कक्षा पांच की पुस्तक से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे और संस्कृत में कैसे शब्द बनते हैं। आपने इससे पहले वर्णमाला को सीखा था, वर्णमाला में वर्णों को इस प्रकार से वर्ण होते हैं, स्वर व्यंजन। इसके बाद आता है शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान में वर्णों का वह समूह जिसमें किसी अर्थ का बोध हो शब्द कहलाता है। ऐसा वर्णों का समूह जिससे किसी अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अतः स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल या संयोजन शब्द निर्माण का पहला चरण है। इसमें कैसे इनका संयोजन होता है स्वर और व्यंजनों का, और इन्हीं का जो संयोजन है ये पहला स्टेप है शब्द निर्माण का। तब हम बात करते हैं इस तरह से शब्द बनते हैं। आपने इससे पहले वर्णों को वहां पर सीखा था, वर्ण कैसे विच्छेद होता है, कैसे उनका संयोजन होता है। यहाँ पर हम शब्द इस प्रकार से बनता है, जैसा कि वहां आपने पढ़ा था कि व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। जितने भी व्यंजन वर्ण है उनमें स्वर रहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है बालक हास्य, तो इसमें वर्ण जो है ब आ ल अ प आ, तो इनसे इनके संयोजन से क्या बनता है बालका। इसी तरह से दूसरा शब्द दिया है अ श व आ अश्व, तो वर्णों का संयोजन यहां दिखाया जा रहा है। इसी तरह से अ अ अ उ त आ कपूता। आगे देखिए प अ म अ ल अ म क म ल म कमलम, तो इस तरह से इनका संयोजन करेंगे। आगे अगला देखिए अ य य अ अ ई क आ, तो अध्यापिका। यहाँ विषय इसलिए लगा है क्योंकि हम वर्णों को अलग करते हैं, तो इसी तरह से विषय जो अलग लगाते हैं जब वर्णों से स्वर अलग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका वर्ण संयोजन दिखाया है। आगे देखिए कहते हैं कि शब्दों के वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। शब्दों से जो ये वर्णों को अलग किया गया वो प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विच्छेद। यहाँ पर वर्णों को संयोजित करके शब्द का निर्माण किया गया। और आगे हम पढ़ेंगे जब वर्णों से शब्द में वर्ण जब पृथक किए जाते हैं तो किस तरह से ये वर्ण अलग होते हैं उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद के अभ्यास से शब्दों के निर्माण में मात्रा की गलतियां अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। कहते हैं कि जब वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद का हम अभ्यास करते हैं तो इससे शब्दों के निर्माण में जो मात्रा संबंधी गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं,
उनकी संभावना कम हो जाती है। तो यहां देखेंगे वर्ण विच्छेद के उदाहरण, बालिका है तो बालिका में हम विच्छेद करेंगे ब आ ल ई क आ, तो बालिका इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे शब्द का, तो ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। अगला शब्द दिया है चटका क्रिया, तो चटका का विच्छेद क्या होगा वर्ण विच्छेद च अ त अ क आ। इसके बाद अगला है आम्रम, इसका विच्छेद क्या होगा आ म द अ म आम्रम। इसके बाद पुष्पम प उ प श श प म पुष्पम। अगला हम देखेंगे कोकिला क उ क ई ल आ ओ ल। अगला अब कहते हैं स्वर एवं व्यंजन के मेल से जब वर्ण बनते हैं तो स्वर वहां मात्रा का रूप ले लेते हैं। जब स्वर और व्यंजन मेल होता है और मेल से जब वर्ण बनाए जाते हैं तो वहां पर जो स्वर होते हैं वो मात्रा का रूप ले लेते हैं और व्यंजन की नियुक्ति क्या लग जाता है हल चिन्ह यानी हलन का लग जाता है। आगे देखेंगे शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरांत दूसरा व्यंजनांत। स्वरांत जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण अंत स्वर वर्ण से होता है, जिन शब्दों का अंत स्वर वर्ण से होता है वो स्वरांत कहलाते हैं। जैसे बालक, अब इसमें देखिए अंतिम जो वर्ण है उसमें स्वर आता है ब आ ल अ क आ, तो ये जो आया अ यानी कि ये क्या है स्वर है तो ये स्वरांत हो गया। दूसरा है व्यंजनांत, जिन शब्दों का अंत व्यंजन वर्ण से होता है वे व्यंजनांत कहलाते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है राजन, अब ना भी ये हलंत है यानी कि स्वर नहीं है, ये व्यंजन है व आ ज अ न, तो यहाँ पर इसके नीचे हलंत है इसलिए ये व्यंजन है और अंतिम वर्ण है क्योंकि ये व्यंजन इसलिए ये व्यंजनांत शब्द कहलाएगा। आगे देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, आ अंत वाले शब्द जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो कहलाते हैं अकारांत। ये ह्रस्व आ की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं दिया गया है चित्र बालका। अब का के बाद और उसके बाद आपका विसर्ग है इसलिए ये अकारांत शब्द हुआ बालक बालका है यानी कि लड़का। दूसरा है गजा, चित्र में देख रहे हैं हाथी का चित्र है तो इसका इंद्रिया संख्या है गजा, ये भी अकारांत शब्द है। आगे देखेंगे टिकाहा, यहाँ पर कोयल का चित्र है ये भी आपका अकारांत शब्द है। अश्वहा घोड़े का चित्र है
ये भी आपका अकारांत है। बानरा चित्र दिखाया गया है, बंदर का चित्र है, ये भी अकारांत है। काकः कौवे का चित्र है और ये भी अकारांत है। नरः ये आदमी का चित्र है, ये भी अकारांत है। आगे दिया है मेघा, बादल का चित्र है, ये भी अकारांत है। हंसः हंस का चित्र है और ये भी अकारांत है। मयूरः मयूर मोर दिया है गया है, ये भी अकारांत है। घटः घड़े का चित्र है, ये भी अकारांत है। अगला दिया गया है शब्द कुक्कुरः, कुत्ते का चित्र है, ये भी अकारांत है। शशकः खरगोश का चित्र है, ये भी अकारांत है। मृगः हिरण का चित्र है, ये भी अकारांत है। आगे देखेंगे चंद्रः चांद, ये भी अकारांत है। तो ये जितने भी चित्र दिए गए हैं ये अकारांत शब्द हैं, यानी कि इनके अंतिम जो वर्ण है वो अ आता है, इसके बाद आता है अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। जो आकारांत है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आ अंत वाले शब्द हम देखेंगे, दिया है गंगा चित्र दिया है, गंगा नदी को दर्शाया गया है, तो ये आकारांत है। बालिका यहां पर लड़की का चित्र है, ये भी आ अंतिम जो वर्ण है आ है, इसलिए आकारांत है। अगला देखिए अजह अजा, अजा बकरी का चित्र दिया गया है, तो ज प्लस अ यानी आ, तो ज प्लस आ यानी कि आकारांत है। इसी तरह से लता लता, ता प्लस आ लता यानी कि बेल जो है, ये भी आपका आकारांत शब्द है। वसुधा पृथ्वी, यहां पर ध प्लस आ अंतिम वर्ण आ आकारांत है। इसके बाद अगला देखेंगे तुला, तुला यहां पर राजू है, इसमें ल प्लस आ आकारांत है। कोकिला कोयल, ये भी ये गलत इसमें छपा है। इसके बाद आएंगे चकका चिड़िया का चित्र है, तो कापस आ यानी आकारांत है। नौका नाव का चित्र बना हुआ है और क प्लस आ आकारांत शब्द है। आगे देखेंगे मक्षिका मक्खी का चित्र है, इसमें भी क प्लस आ है इसलिए आकारांत है। शिक्षिका शिक्षिका इसमें का के साथ आ है इसलिए ये भी आकारांत है। अम्बा पर के साथ आ है यानी कि ये भी अकारांत है। तो आगे हम देखेंगे निशा निशा रात के लिए है, इसमें भी शा के साथ आ है इसलिए आकारांत होगा। शिला ला के साथ आ वर्ण विच्छेद करने पर इसलिए ये भी आकारांत होगा। नाशिका नाक का चित्र दिया गया है, इसमें आपका का के साथ आ है इसलिए ये नाम भी आपका अकारांत शब्द हो गया। अब यहां पर कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं इकारांत में, यानी कि अंतिम वर्ण वो ई ह्रस्व ई होगा, इसलिए मुनि कवि कपि रवि भूमि ये इकारांत शब्द के
उदाहरण है, क्योंकि स्वरांत है, स्वर के अंत में आता है। ईकारांत में जो दीर्घ की है वो अंतिम वर्ण आएगा, नारी, नदी, जननी, वाणी आदि। उपारांत जिसमें रस अंतिम वर्ण के रूप में आएगा, वायु, पशु, शिशु, शाभ आदि। उकारांत जिसमें अंतिम वर्ण वो दीर्घ होगा, तो ऐसे शब्द उकारांत के अंतर्गत आते हैं। वधु इसमें उकारांत है, रज्जु, श्रस्व आदि। ऋकारांत जो शब्द है इसमें रि अंतिम वर्ण होता है, जैसे मातृ, पितृ, धातृ, तो ये आपके कुछ अंग स्वरांत हैं जिनमें इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत के बारे में आपने जाना। आगे देखिए, इनका उच्चारण करना है, मौखिक कार्य क्या करना है, उच्चारण करना है। अश्व, काक, मृग, कोकिला, ग्रहम, वानर, गंगा, मक्षिक, मेघा, कुक्कुरा, अजा, अंबा, मयूरा, शष्क, वसुधा, शिला। तो ये उच्चारण करना है, बैठ के पढ़ना है। इसके बाद अब देखित कार्य के अंतर्गत आप देख लें, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखा। चित्र देखिए, ये किसका चित्र है, मछली का। हाँ, मछली को क्या कहते हैं संस्कृत में, मत्स्या। ये चूहे का चित्र है, चूहे को संस्कृत में कहते हैं मूषकः। ये सूर्य का चित्र है, सूर्य को संस्कृत में कहते हैं दीर्घकारः। आगे देखें, ये छाता है, इसको संस्कृत में कहते हैं छत्रम। ये पुष्प का चित्र है, इसे कहते हैं पुष्पम। और ये महिला का चित्र है, इसको महिला ही कहते हैं। अब आता है वर्ण संयोग, दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोग, यानी कि वर्णों को हमें जोड़ना है। तो यहां देखिए, मुद्दे का चित्र देखते हैं, मुद्दे को क्या कहते हैं संस्कृत में, सपोता। तो यहां पर दिया गया है क आ क उ त आ, कपोता। दूसरा देखिए चित्र बना हुआ है आपका, इसका कबूतर का। इसके बाद आता है ये चित्र किसका बना है, तोते का चित्र। तो तोते का चित्र है, तो कहते हैं श शुकः। क्या कहते हैं, शुकः। संस्कृत में तोते को शुकः कहते हैं, कबूतर को कपोता कहते हैं। अगला चित्र देखते हैं, चित्र बना हुआ है आप ये देखते हैं, ता ऊ ला ई का आ। ये अभी भी चित्र बना है, तो यहां पर कुली का मतलब होता है कोई भी रचना, चित्र कुछ भी बनाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, कुलिका। ये चित्र किसका है, घड़ी का। तो घड़ी को कहते हैं घटिका। वर्ण दिए घ आ क ई का आ, घटिका। इसी तरह से नीचे का है, तो इसको संस्कृत में वाटिका कहते हैं, भ आ ई ता ई क आ। तो ये संयोग
उल्लू कहा, ऊ ल ल ऊ क आ, उल्लू का हो जाएगा भल्लू का, भ अ ल ल ऊ क आ, भल्लू का हो जाएगा। इस तरह से छ छात्रा, छ अ त र आ छात्रा हो जाएगा। इसी तरह से वृक्षा का ब ली क क आ वृक्षा हो जाएगा। शहरी का श ऐ न ई क आ सैनिका। तो इस तरह से इनके वर्णों को अलग कर लेंगे शब्दों से। इसके बाद आता है शब्द समूह, दिया है लिखा है समूह से व्यंजन शब्दों को अलग करना। जिस व्यंजन शब्द है यानी जिनके अंत में व्यंजन है उनको आपको अलग अलग करना है। ये शब्द दिखाई दे रहा है नदी में, इसको नहीं लिखना है यहाँ पर। सहित अनंत है, इनकी व्यंजन शब्द है इसको लिख लेना है। पुत्र यहाँ पर पुत्र, ये भी ता और र यहाँ पे है इसलिए ये भी परांत है, व्यंजनांत नहीं है। जगत आपके साथ अर्थ है, यहाँ पर आव्यंजन है इसलिए ये आपका जगत यहाँ पर आ जाएगा। राजन, इसमें ना के साथ ना व्यंजन है, अलंत है इसलिए ये भी व्यंजनांत है, ये आ जाएगा। इसके बाद भूपति ही, स्मिता के साथ ई है स्वरांत है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। जनका का के साथ आ है स्वरांत है इसको नहीं लिखेंगे। महान न के साथ अलंत है व्यंजनांत है इसलिए इसको यहाँ पर लिख। तो ये हमारे व्यंजनांत के जो शब्द हैं उनको हमने लिख दिया। अब आता है अतदत्तान शब्दानां वर्णानां प्रकारानि लिखत, यहाँ पर दिए गए शब्दों के वर्णांत प्रकार लिखने। ये माला, माला भी आपका स्वरांत है, लादस आ यानी कि स्वर है इसलिए इसे स्वरांत कहते हैं। नरह के साथ आ स्वरांत है। कमलम मान के साथ अलंत है, व्यंजनांत है। रवि के साथ ई है परांत है। नदी के साथ ई है इसलिए ये भी स्वरांत है। तो इस तरह से हम स्वरांत और व्यंजनांत पता करते हैं। आगे देखेंगे कि अधोलिप लिखितेभ्यः वर्णांत प्रकारेभ्यः द्वयोदाहरणो लिखता। नीचे लिखे हुए वर्णांत के प्रकारों के दो उदाहरण लिखने हैं। आकारांत के दो उदाहरण छात्रः लतः, इकारांत के नारी नदी, उकारांत के पशु शाद, ऋकारांत के मातृ पितृ और व्यंजनांत व्यंजन के अंत में है जगत राजन। ये शब्द आप अपनी कॉपी के लिखेंगे। इसके बाद अगला है अधोलिखितानां शब्दानां पेषाम् अर्थेण सह मेलनं कुरुत, इनका मिलान करना है शब्दों के साथ अर्थ का। खगः पक्षी के लिए अर्थ इसका पक्षी होता है, कुक्कुटः मुर्गा इसका अर्थ होता है, गर्दभा गधा होता है, नकुलः नेवला होता है, बकः बगुला होता है। संस्कृत शब्दों का भी अर्थ लिखना है। इसके बाद अगला देखेंगे अधोलिखितांश अशुद्धान शब्दम शुद्धान कुरुत, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। ये लिखा है गहम, क्या हो जाएगा गृहम, भी लगेगा नीचे। दूसरा दिया है मघा, इसका हो जाएगा मेघा बादल, मयरा ये हो जाएगा मयूरह मूर, कुकुरह कक्कुरा ये हो जाएगा कुकुरा, ये उनकी मात्रा लग जाएगी और ये कुत्ता हो जाएगा। चंदा
चंद्रहा हो जाएगा, वसुधा वसुधा हो जाएगा, उपिदा कपिदा उपिदा हो जाएगा, शला शिला हो जाएगा, नासका नाशिका हो जाएगा, मच्छका मच्छिका हो जाएगा। इस तरह से ये शुद्ध शब्द आप शुद्ध कर लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वग्रह से 10 वस्तुएं संस्कृत नामान लिखा। अपने यहाँ चित्र में जो दी गई है वस्तुएं उनके ही नाम लिखे हैं, उनको देखेंगे। अगला प्रश्न है जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, अपने स्वग्रह 10 वस्तु नाम संस्कृत नामान, 10 वस्तुएं जो है आपके घर की वो आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अलमारी बनी हुई है, कुर्सी बनी हुई है, पलंग बना हुआ है, पंखा लगा हुआ है, फ्रिज है, टेलीफोन है, साइकिल है, टीवी है, बर्तन है, कढ़ाई है, ये चित्र दिए हैं। तो सबसे पहले हम अलमारी के लिए, अलमारी को संस्कृत में कहते हैं कपाटिका। इसके बाद साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। पलंग किसको कहते हैं हम संस्कृत में, शैया। दरत आसंदा जो बांधदार कुर्सी होती है उसे कहते हैं नीचड़ा। कढ़ाई को कहते हैं शीतकः। फ्रिज को कहते हैं दूरवाणी। दूरभाष टेलीफोन को कहते हैं दूरदर्शनम। टेलीविजन को कहते हैं व्यजनम। पंखे को कहते हैं और तुला तराजू। तो ये हमारे 10 वस्तुएं हो गई जो कि हम घर में प्रयोग करते हैं। अगला जो रचनात्मक कार्य है वो है आपका ग्रह से चित्र रचित्वा वर्णों पूर्या। घर का चित्र बनाना है और उसे रंगों से भरना है। ये काम आप स्वयं करेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको किसी भी तरह की समस्या अगर होती है चैप्टर संबंधित तो आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।